मार्वल सिटी किशनगढ़ में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। घटना किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड जीवनदीप कॉलोनी क्षेत्र की। बंदूक की नोक पर घर में घुसे लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। तीन नकाबपोश युवकों ने घर में घुसकर लूट की वारदात। प्रमोद कोठारी के घर में हुई लूट की वारदात। सीओ सिटी मनीष शर्मा, एसएचओ गांधीनगर शंभू सिंह, एसएचओ किशनगढ़ जय सुल्तान सहित मदनगंज थाना पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। बता दें लुटेरों ने हजारों की नकदी सहित लाखों के आभूषण लूट हुए फरार। पुलिस क्षेत्र के आसपास के कैमरे रही है खंगाल। पुलिस ने आसपास के कैमरों में दो संदिग्ध युवकों को भी देखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आराम से फोन करो। मैंने बोला कि भाई क्यों करूं, तो ये बोलता आगे कुछ उसके बारे, तो वो अंदर रसोई में आ गए मेरे इसके पीछे पीछे। कितने लोग थे वो? अंदर तो तीन आए थे उस वक्त। फिर क्या करा उन्होंने? इन्होंने मास्क लगा रखा था, जैसे ही अंदर आए मास्क खोल दिया। मास्क फिर और क्या? फिर अंदर कमरों में घुस गए। कैश होकर ले फिर आप लोगों को बंद थोड़ी बंद कर दिया। ठीक है, अपना क्रम हुआ है चोरी की लूट की वारदात। आज करीब 1:30 बजे के आसपास तीन व्यक्ति आए जो कि घर में घुसे हैं। जैसा कि परिवारजनों ने बताया कि तीनों व्यक्ति के पास एक कट्टेनुमा कोई हथियार भी उन्होंने दिखाया और दिखा के इनसे उन्होंने जो भी घर का सामान था नकदी उन्होंने बताई, तो ज्वेलरी उन्होंने बताई वो चीज़ वो लेके गए। तो इस संबंध में हमने टीम लगा दी है और इस संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इस वारदात को जल्दी से जल्दी। सर कितना माल गया इसके बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। एफएसएल वगैरह भी हमने मौके पे एमओबी टीम भी बुलाई है और हमारे तीनों थानों के जो थानाधिकारी हैं और जो हमारी स्पेशल टीम है उसको भी यहाँ पर बुलाया है और उन टीम को लगा के हम इस वारदात को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। सर कोई सीसीटीवी में भी शो हो रहा है? सीसीटीवी हम तलाश रहे हैं, आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। सर शहर में अभी लूट और वारदात ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर कुछ आपका कहना? क्या कारण है, पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी या चोरों का आतंक ज़्यादा बढ़ गया है या हौसले बढ़ गए उनके, ये माना जाए? देखो मेरा इतना कहना है कि इन वारदातों को खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन वारदातों को सबको हम खोलेंगे।